लगता है शादी कर ले। स्कूल बोल के जाती है, उधर ऑटो वाले के साथ जुआ खेल के वापस आ जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद न्यू अनदर वीडियो। क्लिप आप लोगों ने देख लिया, कपिल शर्मा शो का है। और आज हम लोग बात करने वाले इस शो के बारे में। यूट्यूब में दो चार वीडियो मैंने देखा है जो कपिल शर्मा शो के अगेंस्ट में वीडियो बनाया गया है कि कपिल शर्मा शो ऐसा है वैसा है, पेमेंट अच्छा नहीं मिलता है, वहाँ के लोग गालियाँ देते हैं और मिसबिहेव करते हैं, खाना अच्छा नहीं मिलता है, इन सब टॉपिक पे लोगों ने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो मैं आज इसी बारे में, कपिल शर्मा शो के बारे में ही बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं दो बार कपिल शर्मा शो में जा चुका हूँ और वहाँ पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, एज ए ऑडियंस गया था मैं, तो वहाँ जा चुका हूँ मैं। तो देखिए, कपिल शर्मा शो में चार तरह के लोग आते हैं, चार तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले होते हैं मेन ऑडियंस, मेन आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं। सेकंड होते हैं क्रू मेंबर, थर्ड होते हैं आपके गेस्ट, और फोर्थ होते हैं मेन ऑडियंस जो क्लैपिंग वगैरह करते हैं, चाहे बैठ के जो देखते हैं, जो कुल मिला के उस खाली जगह को फुलफिल करते हैं, भरते हैं, ताकि शो देखने में अच्छा लगे और लोगों को पसंद आए। इसलिए उन लोगों को अरेंज किया जाता है, उन लोगों को ऑडियंस बोला जाता है, और उन लोगों को कोऑर्डिनेटर के थ्रू पे करके बुलाया जाता है, पेमेंट दे के बुलाया जाता है। तो पेमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ कि पेमेंट अच्छा नहीं दिया जाता, मिसबिहेव किया जाता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, जो सबसे मेन आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, पेमेंट उन लोगों का हज़ारों से लेकर लाखों तक में होता है। उसके नीचे आते हैं फिर क्रू मेंबर लोगों का भी हज़ारों से लेकर लाखों तक में भी पेमेंट हो सकता है। थर्ड आते हैं गेस्ट लोगों का मुझे नहीं पता कि पेमेंट होता है या नहीं होता है। गेस्ट किसी के थ्रू लाए गए हुए होते हैं, किसी पहचान वाले के थ्रू, कि चलिए मैं आपको कपिल शर्मा से मिलवा दूंगा, या कृष्णा अभिषेक से मिलवा दूंगा, या चंदू चाय वाले से मिलवा दूंगा, या आप भारती से मिल लीजिएगा, या किसी और आर्टिस्ट से मिल लीजिएगा। इस तरह से वो लोग फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और मिलने के लिए या शो को पहली बार एक्सपीरियंस करने के लिए आए हुए होते हैं, वो गेस्ट कहलाते हैं। फिर फोर्थ में आते हैं आपके ऑडियंस, जिन लोगों को कोऑर्डिनेटर के थ्रू प्रोडक्शन वाले लोग बुलवाते हैं। तो पेमेंट के बारे में चलिए बात करते हैं। पेमेंट तो मैंने आपको मेन आर्टिस्ट लोग का बता ही दिया, क्रू मेंबर का बता ही दिया, गेस्ट लोगों को मुझे नहीं पता कि पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। अब रहे ऑडियंस की बात, तो ऑडियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कपिल शर्मा शो है, और उस शो में 200-250-300 ऑडियंस को बैठाया जाता है। मिनिमम मेरे ख्याल से 150 तो रहते ही रहते हैं, 100-150 तो रहते ही रहते हैं। तो उन लोगों को अरेंज करने के लिए, प्रोडक्शन वाले तो खुद जाकर अरेंज करेगा नहीं, तो वो अपने नीचे कोऑर्डिनेटर रखता है और कोऑर्डिनेटर को हायर करके बोलता है कि देखो भाई साहब, मुझे 150 बंदे चाहिए, आप कहीं से भी ऑडियंस को क्लैपिंग वगैरह कराने के लिए और लेके आओ, ताकि हमारा शो फुलफिल हो सके। तो वो एक मेन कोऑर्डिनेटर रखता है, एक या दो रख सकता है या तीन रख सकता है, वो प्रोडक्शन वाले के ऊपर है। तो जो मेन आर्टिस्ट होते हैं, मेन कोऑर्डिनेटर जो होता है, वो भी अपने पीछे एक दो बंदे रखे रहता है कि अपने नीचे एक दो बंदे रखे रहता है। उसके नीचे भी एक आध दो बंदे होते हैं, ऐसे चेन सिस्टम ही होता है। मेन कोऑर्डिनेटर, फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, तो इस तरह से चेन बना हुआ रहता है। तो जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, वो मेन कोऑर्डिनेटर को 1000 से 1200 रुपये तक में टेंडर देते हैं एक ऑडियंस का, क्योंकि वो रेट ही है 1000-1200 रुपये आपको एज ए जूनियर आर्टिस्ट या एज ए ऑडियंस प्रोडक्शन वाले कोऑर्डिनेटर को देते हैं कि आप अपने जूनियर को, चाहे ऑडियंस को, आप इतना पैसा आप देके बुला सकते हो। तो वो मेन जो कोऑर्डिनेटर रहता है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन से 1200 रुपये उसको मिल रहे हैं एक ऑडियंस के लिए, तो वो जो मेन कोऑर्डिनेटर रहता है वो उस पेमेंट को थोड़ा सा कम करके ऑडियंस को बताता है, जो वो अपना जो जिन ऑडियंस को अरेंज कर रहा है उनका। अगर मान लीजिए उनको 1200 रुपये मिल रहा है, तो ऑडियंस को बोलेगा कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप एज ए ऑडियंस यहाँ पर आ जाओ। तो कोई भी अगर नया बंदा है वहाँ पे, चाहे कोई फ्रेशर है या किसी को ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि 1500 रुपये के लिए तो जाना चाहेगा ही जाएगा, और सूट पे कौन नहीं जाना चाहता है, तो 1000 रुपये के चक्कर में वो लोग चले जाते हैं। फिर उसके नीचे जो कोऑर्डिनेटर के नीचे जो कोऑर्डिनेटर रहता है, उसको मेन कोऑर्डिनेटर बोलता है कि भाई मुझे इतने बंदे तू अरेंज करके दे। फिर उसके नीचे वाले को वो बोलता है कि भैया तू इतने बंदे तू अरेंज करके दे। फिर उसके नीचे वाला अपने कोऑर्डिनेटर अपने बंदे को बोलता है कि मुझे इतने बंदे तू अरेंज करके दे। ऐसे करते करते जो पे स्केल रहता है, स्टार्टिंग 1200 से होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे वाले कोऑर्डिनेटर के पास आता है, वो कमीशन कटते 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 200-250 रुपये तक आ जाता है
सब अपना कमीशन, सब अपना कटिंग वगैरह रखने के बाद उस पेमेंट को घटाते घटाते 200-250 रुपये तक ले आते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 200-250 रुपये पेमेंट में भी लोग वहाँ पर एज ए ऑडियंस जाते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, 200-250 रुपये में भी लोग वहाँ पर जाते हैं। पेमेंट प्रोडक्शन वाले की कोई गलती नहीं है, प्रोडक्शन वाला अपना पूरा एफर्ट डालता है, अपना पूरा पेमेंट देता है मेन कोऑर्डिनेटर को, फिर उसके बाद मेन कोऑर्डिनेटर भी अपना कुछ कमीशन रखने के बाद, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी है, उसका भी घर परिवार जो भी है उसी से चलना है, वही अरेंजमेंट करता है, वही उसकी उसका धंधा वही है, तो वो भी अपना कमीशन काट के दो चार पैसा बचा के फिर वैसे पेमेंट को घटाते 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 200-250 रुपये तक के लोग ले आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर आपको फ़ोन करता है और आपको बोलता है कि देखो भाई आपको आना है, मैं आपको ये पेमेंट दे रहा हूँ, 200 रुपये दे रहा हूँ, 250 रुपये दे रहा हूँ या 300 रुपये दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप चले जाते हैं तो 250 रुपये भी मिल सकता है, 500 रुपये भी मिल सकता है, 600 रुपये भी मिल सकता है आपको, या 800, 700, 1200, 1000 रुपये भी मिल सकता है। वो तो कोऑर्डिनेटर के टच के ऊपर है आपका, और किस तरह की आपकी पहचान है और किस तरह के लोगों से आपका संपर्क है उस चीज़ के ऊपर है ये। अगर जो कोऑर्डिनेटर आपको 250 रुपये दे रहा है वैसे कोऑर्डिनेटर से पहचान है तो आपको 250 रुपये ही मिलेंगे, वैसा कोऑर्डिनेटर से पहचान है जो 500 रुपये देता है तो अगर उसके थ्रू जा रहा है तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, या कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर से आपका पहचान है जिससे आपको 1000 रुपये मिलने वाले हैं तो वो आपको 1000 रुपये ही दे 1000 रुपये ही दे के बुला सकता है। तो ये पेमेंट का ये सिस्टम रहता है, इसमें प्रोडक्शन वाले की कोई गलती नहीं है, इसमें मेन कोऑर्डिनेटर की भी कोई गलती नहीं है, इसमें पेमेंट के मामले में किसी की कोई गलती नहीं है। वो आपको पहले ही बता देता है कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा या 800 रुपये दूंगा या 500 रुपये दूंगा या 200 दूंगा या 300 रुपये दूंगा, आपको आना है तो आओ, वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब बात आती है खाने की, तो चलिए खाने के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत लोगों ने बोला है कि वहाँ पर खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अच्छा खाना नहीं दिया जाता और काफ़ी बेकार खाना वहाँ पर रहता है। तो खाने के बारे में आपको बता दूं कि देखिए वो इतना बड़ा शो है ना कि आर्टिस्ट ही कम से कम 20-30 आर्टिस्ट ही रहते हैं, उसके बाद आते हैं क्रू मेंबर जो 50-60 क्रू मेंबर रहते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं गेस्ट लोग का भी शायद खाना अरेंज करना पड़ता है प्रोडक्शन वालों को, तो वो भी होते हैं, फिर 200-250 या 150-200 आपके ऑडियंस होते हैं, उन लोग का भी खाना अरेंज करना पड़ता है प्रोडक्शन वालों को। तो एक तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरह से पूरा बारात का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो खाने का ये पॉलिसी सिस्टम रहता है कि जो मेन आर्टिस्ट रहते हैं उन लोगों का खाना डेफिनेटली बिल्कुल अलग रहता है, वो लोग अपने हिसाब से अपने पसंद से या जैसा प्रोडक्शन वाले अरेंज करेंगे उस हिसाब से खाना रहता है। तो डेफिनेटली आर्टिस्ट लोगों का खाना बिल्कुल अलग आता है, फिर आते हैं क्रू मेंबर लोग का भी खाना अलग ही आता है, और उसके बाद आते हैं गेस्ट लोग का भी खाना, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग का भी खाना अलग ही रहता है या उसी में मिला जुला के क्रू मेंबर लोग के साथ में ही वो लोग खा पी लेते हैं। फिर थर्ड आते हैं ऑडियंस लोग का भी खाना बेसिक रहता है, ख़राब बिल्कुल नहीं रहता है, बेसिक खाना रहता है, दाल चावल चपाती सैलड इस टाइप का बेसिक खाना जो आप घर पर मिलता है, वो जो आप घर पर खाते हैं सेम वही खाना आपको वहाँ पर भी दिया जाता है। खाने के बारे में बस इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा फ्रेशनेस में वो ऊपर नीचे हो सकता है वो खाना आपको गर्म ना मिले, या हो सकता है थोड़ी सी जो चपाती या पूड़ी है वो ठंडी हो, या चावल ठंडा हो, या दाल में थोड़ा सा नमक कम हो, या सब्जी कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा बन गया हो, कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो खाना बिल्कुल अच्छा ख़राब नहीं रहता, अच्छा रहता है, नॉर्मल जो बेसिक खाना होता है वो तो ऑडियंस के लिए बिल्कुल रहता ही रहता है, तो खाना को आप बुरा नहीं बोल सकते। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडियो होता है जहाँ पर वो शो शूट होता है उसी स्टूडियो में एक्चुअली क्या होता है ना कि जगह की काफ़ी किल्लत होती है, तो वहाँ पर देखिए सबका एक ठो वो लगाया जाता है, पंडाल टाइप का लगाया जाता है खाना वाना खाने के लिए, तो मेन आर्टिस्ट लोग का अलग लगाया जाता है, क्रू मेंबर लोग का अलग लगाया जाता है, फिर ऑडियंस लोग का अलग लगाया जाता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है ताकि सब एक ही साथ भीड़ ना लगा दें और सब एक ही में बिल्कुल ज़्यादा मैसी ना कर दें। और आर्टिस्ट लोग का तो बिल्कुल अलग ही होता है क्योंकि मेन आर्टिस्ट हैं, वो लोग थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए वो लोग को रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह का चक्कर रहता है, फोटो वोटो क्लिक करने का कराने लगते हैं लोग, इस वजह से लोग प्राइवेसी में अपना खाना खाते हैं, तो वो लोग का सेक्शन तो बिल्कुल अलग होता है खाना पीना का।
बाकी इधर के जो लोग रहते हैं उन लोग का दो तीन भागों में बटा हुआ रहता है। तो ऑडियंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्दी है, सबसे ज़्यादा भीड़, अगर सबसे ज़्यादा कुछ कोई करता है तो वो ऑडियंस लोग ही करते हैं। तो जब लोग खाने का टाइम आता है ना, तो आप ये समझ, आपने कभी बारात देखा होगा जिसमें 200 250 300 बंदे जब पहुँचते हैं खाना पीना खाने के लिए, तो किस तरह से मैसी पूरा कर देते हैं, मैसअप हो जाता है पूरा, इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है बहुत सारा चीज़। तो बस यही चीज़ सेम होता है। बहुत बारी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल लाइन लगा के सिस्टम से दिया जाता है, वो ठीक रहता है। और अगर आप बफे लगा दिए कि आप अपने से निकालो अपने से खाओ, उस हिसाब से अगर आप कर दिए तो फिर तो पूरा सब कुछ मैसी कर देते हैं लोग, सब इधर उधर, रोटी इधर पड़ा हुआ है, चावल इधर गिरा हुआ है, सब्जी इधर गिरा हुआ है, दाल इधर गिरा हुआ है, इस तरह से हो जाता है ना। तो जो गिरने विरने का जो चीज़ होता है ना मामला, वो जो गिरने विरने की चीज़ दिखती है ना, तो उसमें थोड़ा सा और गंदा फील आने लगता है। कहीं पर आपका सब्जी गिरा हुआ है, कहीं पर दाल गिरा हुआ है, तो आपको देखने में ही वो चीज़ें ख़राब लगती हैं। तो ये होता है। बाकी खाना ख़राब नहीं दिया जाता, मैं खुद भी गया हूँ, मैं सिर्फ दो बार गया हूँ, दो बार जाके मैंने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें। तो खाना बिल्कुल अच्छा दिया जाता है, पर दाल चावल सब्जी चपाती ये बेसिक खाना आपको दिया ही जाता है प्रोडक्शन की तरफ से, तो खाना आपको आप गलत नहीं बोल सकते। फिर थर्ड आती है बात मिसबिहेव की। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि शो में मिसबिहेव करते हैं लोग, काफ़ी गाली गलौज करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कपिल शर्मा शो काफ़ी बड़ा शो है और वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, सबको मिला के 250 300 400 500 लोग हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो एक तरह से समझिए वो बारात ही है, और ऑडियंस को हैंडल करना सबकी बात नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई बारात अगर आप लेके जा रहे हैं, आप किसी भीड़ को आपको अगर हैंडल करने के लिए दे दिया जाए कि आप इस भीड़ को संभालो और इसको कंट्रोल में रखो, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़े से दो चार शब्द ऊपर नीचे बोलने पड़ सकते हैं, जिनमें से हो सकता है, जिससे ये हो सकता है कि आपसे दो चार वर्ड सही या गलत निकल सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं है, माइनर बात है ये, जो हर जगह भीड़ में ये होता ही है। अगर आप भीड़ को कंट्रोल करने निकले हैं तो ये सब बातें थोड़ी बहुत होती हैं जो इग्नोर करने लायक हैं, इसको सीरियस लेने लायक ये बात नहीं है। और वहाँ पर इस टाइप की बात अगर होती भी है तो आई गई हो जाती है, कोई उतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं। कभी कभार कोई एक बात अगर टूल पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो वहाँ के लोग ही आपस में एक दूसरे को समझा के मैनेज कर लेते हैं कि नहीं सर ऐसा है वैसा है ये है वो है करके, आपस में ही वो लोग पैचअप कर लेते हैं, समझा बुझा के सब कुछ शांत हो जाता है। तो वहाँ इस तरह की बात कभी नहीं हो पाती। और अगर बढ़ती भी तो वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए कांस्टेबल वगैरह रहते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, गार्ड वगैरह रहते हैं, तो वो लोग भी काफ़ी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन कपिल शर्मा शो के बारे में, जो काफ़ी लोगों को गलतफहमी होगा कि नहीं वो शो बढ़िया नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है, पेमेंट कम दिया जाता है। तो पेमेंट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पेमेंट का क्या सिस्टम होता है। पेमेंट प्रोडक्शन से सही चलता है, फिर वो नीचे आते आते चेंज सिस्टम में जैसे जैसे वो नीचे आता है वो पेमेंट कम होता चला जाता है। वो ऑडियंस लोग के ऊपर होता है कि आप कितने में आप जाना चाहते हैं। वो 500 में भी बुला रहा है, अगर आपका टच 500 वाले के पास में है तो आप 500 के में जा सकते हैं, अगर आपका टच 250 वाले के साथ है तो आपको 250 में वो बुलाएगा, और आपकी इच्छा है आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली एक पेमेंट के बारे में एक चीज़ मैं बताऊँगा कि एक पर्टिकुलर वो एक ग्राफ बना लिए हैं कि अपन को इतना ही देना है उस लेवल के, उस लाइन के लोग, मतलब उस लेवल में जो आदमी आते हैं ना वो लोग यही बना लिए कि मेरे को 250 देना, तो 250 में ही देना है। अब आदमी देखिए, बहुत सारे लोग काम करने भी जाते हैं, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी इस चीज़ से चलती है, इस ऑडियंस बन के प्रोग्राम में जाने से, शो में जाने से बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है वहाँ पर, ऐसा भी है। तो वो उन लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा मतलब अखर सकता है, थोड़ा सा निराशा हो सकती है उन लोगों को, और डेफिनेटली उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उन लोगों का पेमेंट कम से कम बढ़े जिन लोगों की रोजी रोटी इस चीज़ से चल रही है। बाकी जो एक्सपीरियंस करने गया है, जो घूमने के लिए गया है या फर्स्ट टाइम शो अटेंड करने के लिए गया है, तो उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखता 200-250 रुपये। उसको पैसा अगर आप ना भी दोगे तो भी वो चला ही जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस करने जा रहा है, एक बार फर्स्ट टाइम देखने जा रहा है, और वैसे भी कपिल शर्मा शो में कौन नहीं जाना चाहता, सभी जाना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है कपिल शर्मा शो के बारे में, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अभी और अच्छे अच्छे आने वाली हैं। तो बस यही है कपिल शर्मा शो के बारे में आप लोग को जानकारी देना था। शो के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को,
कि कपिल शर्मा शो जो है काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है, काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, क्रू मेंबर मेहनत करते हैं और ऑडियंस भी काफ़ी मेहनत करते हैं। कंटिन्यू 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, 12-13 घंटे कंटिन्यू बैठे रहते हैं। उन लोगों से फ़ोन ले लिया जाता है, ऑडियंस जो उनको सेट पे अंदर बुलाया जाता है उन लोगों से फ़ोन ले लिया जाता है, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। हम लोग आधे घंटे एक घंटे का शो देख के ऐसे चुटकी बजा के बोल देते हैं भाई कि अरे फालतू शो है, ऐसा है, अच्छा शो है, फालतू शो है। लेकिन जो उस शो को बनाने के पीछे जो मेहनत लगी हुई होती है प्रोडक्शन वालों की, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर की, आर्टिस्ट की, क्रू मेंबर की, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप उन लोगों को देखेंगे, उनके काम को जब समझेंगे ना, तब आप लोग को रिस्पेक्ट होगा उन लोगों के बारे में। काफ़ी मेहनत करते हैं उन लोग। ऐसे ही कोई इतना बड़ा शो या ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में करने वाला ऐसे ही नहीं बन जाता। उसके पीछे काफ़ी लोग पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे जितने भी लोग हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। तो बस यही है कपिल शर्मा शो के बारे में जानकारी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।